आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में एनएचपीसी के सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। अतुल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में पीएम किसान स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर स्टेट टैक्स ने बारामूला में ताजरों सन्नती अंजुमनों से मुलाकात की। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के अपने दौरे के दूसरे दिन एनएचपीसी दलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के जेर तमाम शजरकारी के प्रोग्राम में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नितेश्वर कुमार के साथ एनएचपीसी दलहस्ती पावर स्टेशन के चुनाव भवन में सेब के पौधे लगाए। महकमा रियासती टैक्स ने आज शुमाली कश्मीर के तजारती और सन्नती फेडरेशनों के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन का एहतमाम किया। कमिश्नर स्टेट टैक्स डॉक्टर रश्मि सिंह ने इंटरैक्टिव सेशन की सदारत की। डॉक्टर रश्मि सिंह ने जीएसटी निजाम की कामयाबियों की वजाहत की, जिसमें मासूलात की वसूली और तामील में इजाफे को उजागर किया गया। उन्होंने तमाम इदारों को टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के तहत तामील को यकीनी बनाने की ताकीद की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा जरी पैदावार अतुल डुल्लू ने आज जम्मू व कश्मीर में पीएम किसान स्कीम में शुरू की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने महकमा सेहत बांडीपुरा के अश्तराक से आज बांडीपुरा में एक मेगा बेदारी रैली का इनेकाद किया। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओएस अहमद ने मिनी सेक्रेटरेट बांडीपुरा से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा तक झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा आप जानते हैं कि नशा मुक्त भारत के अंडर नशा मुक्त बांडीपुरा को लेकर जो कैंपेन चलाई जा रही है, पिछले एक साल से कई सारी रैलीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में बाइक रैलीज और कार रैलीज भी कराई गई, उसी का एक ये मेगा जो आज रोड शो है वो कराया जा रहा है। इसका मेन पर्पस यही है कि बच्चे, स्कूल के बच्चे, हमारे हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग ये टोटल 700 से 800 लोग जो यहाँ पे हैं, ये पूरा वॉक करेंगे और ये मैसेज देंगे कि जो मंशियात हैं, जो ड्रग्स हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है, उनसे दूर रहना चाहिए, क्या नुकसान हैं ये ड्रग्स इस्तेमाल करने के। और जैसा हम मैसेज देते आ रहे हैं कि अगर कोई अप्रोच करता है, कोई बेचने के लिए अप्रोच करता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए, पुलिस के नोटिस में लाए और उस पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों में पुलिस के द्वारा भी कई कार्रवाई की गई है इसके ऊपर, कई जो बड़े यहाँ पे रैकेट थे उनको भी बस्ट किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वी आर स्टेट बाउंड कि हमारा जो ये ड्रग का मैनेज है बांडीपुरा से पूरी तरह ख़त्म हो। आज ये जो रोड शो है इसके बाद कल्मिनेट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक वर्कशॉप भी है जिसमें अवेयरनेस दी जाएगी बच्चों को। गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में अनंतनाग हुआ अवामी जलसा, हजारों कारकुनों ने जलसे में शिरकत की। आइए देखते हैं अनंतनाग से जावेद गुल की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल अहमद देवा डीडीसी मेंबर ने आज वेसु काजी गुंड से लेकर डाक बंगला खानबल अनंतनाग तक अवामी रैली का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के मौके पर ब्लॉक बगतूर के राणा पोस्ट पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत फौज के कमांडिंग अफसर ने की। इस मौके पर पंचायती मेंबरान के अलावा मकामी पुलिस ने भी शिरकत की। आज के इस खास दिन के मौके पर आर्मी अफसर के अलावा सरपंच कंजलवन गुलाम मोहिद्दीन और पुलिस के इंचार्ज हवलदार रफीक अहमद ने तकरीब से खिताब किया। आज इंजीनियर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए इंजीनियर्स डे को यौमे सियाह के तौर पर मनाया गया। उन्होंने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया और SHG स्कीम को दोबारा नाफिज करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। हम अपनी सोसाइटी को अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क दे रहे थे, हम अपनी टांगों पे खुद ही रोजगार कमा रहे थे, इस रोजगार को भी हमसे आज के दिन छीना गया। आज से 2 साल पहले हमारा जो कोटा था सेल्फ हेल्प इंजीनियर ग्रुप का, वो भी हमसे छीना गया। और अब हम LG साहब से यही गुजारिश करते हैं कि खुद ही इंटरफेयर करके हमारी इस कोटा को बहाल किया जाए, हमें वापस अपनी टांगों पे खड़ा होने दिया जाए, ताकि हम अपना रोज़गार और हम उनका भी रोज़गार जो हमारे साथ कम से कम 1.5 लाख लड़के, 1.5 लाख वर्कर्स जुड़े हुए थे, उनका भी रोज़गार बहाल हो जाए। दिक्कत है
मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का एज डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ। आज जो हम यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल बल हर डिस्ट्रिक्ट से जो भी हर डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट यहाँ आया है वो अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कर रहा है। आज हमारा ये जो आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, आप जानते हैं 2 साल और 1 महीना हो गया है, तब से अभी आज हम बिल्कुल सड़कों पे इधर से उधर जा रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है, मगर हमारी बात को बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है, हमारी एलजी से भी यही गुजारिश है कि फिल फॉर जो इस स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। हमारे नुमाइंदे कामरान अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी जिला के करीब डेरी रेलवे एरिया के करीब आज एक हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक पुंछ सरनकुट से जम्मू की तरफ आने वाली गाड़ी जब डेरी रेलवे एरिया के करीब पहुंची तो गाड़ी के ड्राइवर ने वहां पर कंट्रोल खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अशखास के जख्मी होने की इत्तला है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक विलगाम गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के आखिरी दिन रामहाल कुपवारा माघाम और त्राटपुरा ब्लॉक के 124 तलबा के साथ 20 असातिज़ा ने देखा। आज के मैचों में दोनों जानिब से खिलाड़ियों को खुश करने के लिए खुश मिजाज शायकीन के साथ अपनी महारत और जज्बे का मुजाहरा करने के लिए बिलबिला रहे थे। फाइनलिस्ट ने जोश व खरोश के साथ सिंगल्स और डबल्स दोनों मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। जीतने से ही सब कुछ नहीं होता है, अगर मैं हार भी जाती ना तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो जाता है कि मैंने इससे पहले ना इस कैंप में आई थी और ना मैंने कभी खेला है इस कैंप में, ना मुझे रूल्स पता है। मैं फर्स्ट टाइम है मैंने यहाँ पर बैडमिंटन खेला है और मुझे यहाँ पर रूल्स के भी पता चले, कोर्ट कहाँ पर होता है, सेंटर पॉइंट कहाँ, और ना मुझे कुछ नहीं। इसके लिए मैं थैंक्स अपने टीचर्स को बोल रही हूँ, रिस्पेक्टली मुश्ताक सर, एंड मैं थैंक्स अपने पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब कि हमें भेजा यहाँ पर, एंड इन सब के लिए भी थैंक यू कि इन्होंने ये मैच बैडमिंटन चिप यहाँ पर रख दी। I am very much delighted to see events like these being coordinated and facilitated by the armed personnel, and this has a lot of social and cultural repercussions, no doubt about that. The way students came here, they enjoyed the game and all the 4 games in singles and doubles, it was exhilarating, it was very much amazing, it was very much good to be here. I would like to extend my heartfelt gratitude to the 15 officials in command and to everyone present. मैं 15 RR का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी लड़कियाँ यहाँ पे इस वक्त जो ये गेम खेल रहे थे, ये इन चीज़ों से नामारूम थी। आज तक स्कूलों में भी इनको नहीं ऐसे खेल मिलते थे, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है। 15 RR के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये स्टार्ट किया है, हमारे ये बच्चे सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और सीख रहे हैं, अच्छा है। इसमें जो है कि इनको भी किसी साइड में अपना दिमाग रहता है और पढ़ाई की तरफ रहता है, बाकी जो सिस्टम है उससे दूर रहते हैं। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इनका बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने यहाँ रखा है ये खेल को। ये बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए खेल कूद ज़रूरी है, और जो इन्होंने स्टार्ट किया 15 RR का, इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ही नहीं, पूरी जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक, इसमें बहुत खुश है कि अगर हमारी बच्चियाँ कहीं सीख के इंटरनेशनल में जाए या स्टेट लेवल पर जाए तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजयाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।